हेलो दोस्तों, आज अपने इस नौवे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ कल तक पढ़े गए टेंसेस के बाद के आगे के टेंसेस डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, आज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर पहले से ही परफेक्ट टेंस लिख करके रखा है। जैसा कि अभी तक की 8 क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा दोस्तों, उसके बाद हमने टेंसेस के बारे में पढ़ने की शुरुआत करी। जैसा कि हमने कुछ समय पहले इनडेफिनेट टेंसेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में पढ़ने लग गए और आज हम परफेक्ट टेंस पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारा सबका एक ही टारगेट है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ उन बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लें जो हमारे लिए ट्रांसलेशन करते समय बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय बहुत जरूरी है, या तो फिर स्पोकन इंग्लिश के समय या इंग्लिश बोलते समय बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टेंसेस पढ़ने की शुरुआत करते समय हम सभी लोगों ने आपस में ये बात करी थी कि हम इन तीन टेंसेस के जिनके 12 पार्ट इन टोटल है, उनकी 12 रूल लाइन या 12 हिंदी की टैग लाइन, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करेंगे। अभी तक हम 3 इंडेफिनेट की रूल लाइन और टैग लाइन याद कर चुके हैं दोस्तों, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस टेंस की 3 टैग लाइन और 3 रूल लाइन याद करी दोस्तों। अब आगे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस परफेक्ट टेंस की भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की 3 अलग अलग रूल लाइन और 3 अलग अलग टैग लाइन अपने हिसाब से याद कर लें दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस समय हम जिस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए उस समय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस टेंस के ऊपर ही हो। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने कोशिश ये करी कि हम पहले तीनों इंडेफिनेट टेंस खत्म करें, फिर हम तीनों कंटिन्यूअस टेंस खत्म करें और फिर हम परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमने इंडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट टेंस में डू डज और वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमने डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा, उसके बाद फ्यूचर में हमने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा। तो जो इंडेफिनेट टेंस थे दोस्तों, उन तीनों ही टेंसेस में हमने कोशिश करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज देखा। भले ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा, बट जब उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात आई तो हमने वहां पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा। उसके बाद दोस्तों, जब कल हमने कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ हर तरफ, चाहे वो इज एम आर के साथ था, चाहे वो वॉज वर के साथ था या चाहे वो विल बी के साथ था। मैंने कल ही आपसे कह दिया था दोस्तों कि कल नौवे दिन हम अपने 2 वीडियो शूट करेंगे। एक वीडियो में हम अपने टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे वीडियो में हम वर्ब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कई बार हमारे ब्रेन में बड़े अलग अलग तरह के कंफ्यूजन आते हैं। वो कंफ्यूजन किस तरह के हो सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वर्ब एक्चुअल में एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिनसे किसी सेंटेंस में किसी काम के होने का पता चलता है। जो ये काम करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है और जो इस काम में शामिल होता है किसी भी तरह की मदद के तौर पर, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन या और भी कई। तो हमने ये देखा कि जब हमने वर्ब की ये बात कर ली थी कि ये वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, तो हमारे दिमाग में कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है कि जब ये वर्ब है तो इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, विल शैल, ये क्या है। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर, हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में सिर्फ विल का यूज करा, हमने शैल का यूज क्यों नहीं करा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे लिए अभी टेंसेस पढ़ते समय शैल को अपने दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को अभी सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हम फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करेंगे। शैल और शुड का यूज हम तब करेंगे जब हम मोडल्स के बारे में पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी अपने दिमाग में किसी भी तरह शैल की कंफ्यूजन मत लाइएगा। दूसरी बात, हमने ये भी बात करी थी दोस्तों कि जब हमारे इंटरोगेटिव या इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है। कहां आगे? सब्जेक्ट के आगे। जैसे पहले सेंटेंस में खाली, पहले वाले टेंस में खाली डू डज आगे गया,
दूसरे वाले टेंस में खाली डिड आगे गया, तीसरे वाले टेंस में खाली विल आगे गया। जब हम कंटिन्यूअस में आए तो पहले वाले टेंस में इज, एम या आर में से एक आगे चला गया, फिर उसके बाद पास्ट वाले में वॉज, वर में से एक आगे चला गया, और फ्यूचर वाले में दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस में खाली विल को आगे जाना है। अगर आप विल नॉट को भी आगे ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पर बी को कहीं मत हिलाइएगा। जैसे आप लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा था, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट में विल आगे जाना है, बी कहीं नहीं सरकेगा। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर यही हो जाता, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो हो जाता दोस्तों राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा, तो खाली विल को आगे लाइए तो सेंटेंस क्या बनता, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इंटेरो नेगेटिव बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बनता या तो विल नॉट राम बी प्लेइंग क्रिकेट या विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सब बातें मैं आपसे रिवीजन के तौर पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या फोन कॉल के द्वारा मुझसे काफी सारे व्यूअर्स ने पूछा कि उन्हें बी की पोजीशन का पता नहीं चल रहा है, या कई बार उनके दिमाग में यह कंफ्यूजन आ गया कि इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम कहां देखें। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए दोस्तों हमने आज अपना दूसरा वीडियो भी अपलोड करना है, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कैसे वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मेन वर्ब होती है। तो वर्ब्स के बारे में हम दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, अभी इस पहले वीडियो में हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों परफेक्ट टेंस के बारे में जानने की। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी तक पढ़े गए हिंदी के सेंटेंस की एंडिंग से हमें किसी भी सेंटेंस में लगने वाले टेंस का पता चल जा रहा था, तो उसी तरीके से जैसे पहले वाले इनडेफिनेट टेंस में अगर मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लाइन से बात करूं, तो हिंदी के जो सेंटेंस थे दोस्तों वो थे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेलेगा। कंटिन्यूअस में यही सेंटेंस क्या बन गए, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। परफेक्ट में ये सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे दोस्तों, राम क्रिकेट खेल चुका है। जैसा कि आपको शब्द परफेक्ट से पता चल रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम पूरी तरह से डन हो जाना, डन, परफेक्टली डन। तो यहां पर राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका था, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, तीनों हमने यहां पर लिख लिए दोस्तों। जो प्रेजेंट है उसमें खेल चुका है, जो पास्ट है उसमें खेल चुका था, और जो फ्यूचर है उसमें खेल चुका होगा। दोस्तों अब हमारा कोर्स तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ इन इंग्लिश ग्रामर के बेसिक फंडों तक नहीं रुकना है दोस्तों, आगे चल के हम इसी बैच को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक बैच प्योरली स्पोकन का हो जाएगा, एक वीडियो प्योरली कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए हो जाएगा, और एक वीडियो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बनेगा। उसमें मेरी कोशिश होगी दोस्तों जो बोर्ड क्लासेस है हमारी 10th और 12th क्लास की, उनको भी वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर डेली प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि लॉकडाउन की अवधि में पढ़ाई का जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। तो दोस्तों अभी आपने क्या देखा, हमने तीन टेंसेस के तीन सेंटेंसेस पढ़े। कैसे सेंटेंसेस हैं दोस्तों, जिनमें काम पूरी तरह हो चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका था, और राम क्रिकेट खेल चुका होगा। इनको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली जा चुका हूं, वह मुझसे मिलने आ चुका है, वह तुम्हारे घर जा चुका है, वह खाना बना चुकी है, सीता गाना गा चुकी है, या इसी तरह के और भी कई सेंटेंसेस जो आपको घर पे बनाने हैं। दोस्तों कोशिश ये करिए जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप बना लें इस समय। थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, कभी कभी बोरियत भी आती है, कभी कभी लगता है हम इतना क्यों लिखें, तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी भी सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं घर में प्रैक्टिस के तौर पर बनाइए, ताकि आपको इनकी रिविजन करने का मौका मिले। मेरी भी कोशिश है कि जैसे ही सारे टेंसेस हम पढ़ लें, मैं आप लोगों को लाइन से कुछ सेंटेंसेस लिखवा दूं। उन सेंटेंसेस को एक वीडियो में लिखने के बाद अगले दिन हम उन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले आप सबके द्वारा इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों, अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएं, यहां पर वो सेंटेंसेस आ जाएंगे जिनमें कोई भी काम पूरी तरह हो चुका है, हो चुका था, या फिर हो चुका होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे हर जगह रूल बदल रहे हैं। इनडेफिनेट टेंस में सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी,
तो इस टेंस में दोस्तों जो रूल हमें याद करना है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, जो रूल चेंज होगा वो बीच में से होगा, वो वर्ब वाली जगह पे होगा। तो यहां पर पहले क्या लगा दोस्तों, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरे नंबर पे विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जब परफेक्ट टेंस की बात होगी तो आपके दिमाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, प्रेजेंट में हैज और हैव के तौर पर, पास्ट में हैड के तौर पर, और फ्यूचर में विल हैव के तौर पर। तो हमारे तीन रूल हो जाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा रूल हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गौर करने लायक बात क्या है दोस्तों कि जो ऊपर का सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल चुका है, अगर मैं इंग्लिश बनाऊं तो सब्जेक्ट की जगह पर राम, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्रिकेट, बीच में हैज और हैव। हैज और हैव में दोस्तों जहां पर सिंगुलर है ही शी इट या नेम, वहां पर तो हैज आएगा। जहां पर प्लूरल है जैसे आई वी यू और दे, वहां पर दोस्तों हैव आएगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा राम क्रिकेट खेल चुका है, राम हैज और हैव में से हैज, राम हैज प्लेड क्रिकेट, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसको नेगेटिव में बदलना है दोस्तों तो हैज हैव के और वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज राम प्लेड क्रिकेट, या हैज नॉट राम प्लेड क्रिकेट, और हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब सिर्फ हैज को आपको आगे पीछे करना है, आपके चार तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगर मैं इसको प्लूरल में बनाऊं दोस्तों, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इट मींस आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसको नेगेटिव बनाऊं, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इसको इंटरोगेटिव बनाऊं, हैव आई प्लेड क्रिकेट। अगर इसको इंटरोनेगेटिव बनाऊं, Have not I played cricket या have I not played cricket। इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब में फंडा सेम है। सिर्फ रूल लाइन को फॉलो करिए, सिंपल वाली लाइन लिखिए, नीचे की तीन लाइन अपने आप बनती चली जाएंगी। दूसरा आपने देखा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई चिंता ही नहीं है दोस्तों, ना सिंगुलर सोचना है ना प्लूरल सोचना है। राम दिल्ली जा चुका था, राम हैड गॉन टू दिल्ली। राम क्रिकेट खेल चुका था, राम हैड प्लेड क्रिकेट। मैं तुमसे मिल चुका था, आई हैड मेट यू। तो इस तरह का जहां पर भी कोई काम पूरी तरह हो चुका था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैं तुम्हारे घर आ चुका था, आई हैड कम टू योर हाउस। इन सारे ही सेंटेंसेस में हमें एंडिंग से पता चल गया था कि हमारा कोई भी काम पूरा हो चुका था। तो ऐसी अवस्था में हमने दोस्तों क्या करा, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। और आपको आगे पीछे क्या करना है, सिर्फ हैड। जैसे राम क्रिकेट खेल चुका था, राम हैड प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था तो हैड और वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए, राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। उसके बाद क्या राम क्रिकेट खेल चुका था, हैड राम प्लेड क्रिकेट, क्योंकि खाली एक शब्द आगे जाएगा, हैड आगे चला गया, हैज हैव में से एक आगे चला गया, डूडज में से एक आगे चला गया, और लास्ट वाले में दो आगे जा सकते हैं, जैसे नॉट, हैड नॉट राम प्लेड क्रिकेट, या हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी इन रूल्स के द्वारा। नंबर तीन पे हमारा रूल थोड़ा चेंज होता है। अब यहां पर दो वर्ब आ गई, पहली विल दूसरी हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। तो इससे आपको क्या पता चला दोस्तों, नया रूल बन गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर राम रहना ही रहना है दोस्तों, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्रिकेट रहना ही रहना है, सिर्फ हमें रूल चेंज करना है दोस्तों। तो हमने क्या करा, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। इससे क्या पता चला दोस्तों, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। इसका नेगेटिव में कैसे बनाऊंगा दोस्तों, राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। विल के बाद नॉट आएगा दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा विल के बाद नॉट आ रहा है। अगर मेरे को इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो विल आगे आएगा, सिर्फ एक शब्द,
विल राम हैव प्लेड क्रिकेट। सुनने में भले ही अटपटा लगेगा, थोड़े दिन महसूस भी होगा कि हम कुछ अलग सा कर रहे हैं, बट चलने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही इंग्लिश है जो इस अटपटेपन के ऊपर कंट्रोल कर गया, जिसे इस अटपटेपन के दौरान भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ गई, वही इंग्लिश का मास्टर होता है दोस्तों। तो यहां पर क्या बन गया, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल राम हैव प्लेड क्रिकेट, और जहां इंटेरो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, वहां पर बन जाएगा दोस्तों विल नॉट राम हैव प्लेड क्रिकेट या विल राम नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो सिर्फ अगर आपने ये रूल ध्यान में रखा कि आपको सिर्फ एक ही शब्द आगे लेकर के जाना है इंटेरोगेटिव या इंटेरो नेगेटिव बनाने के लिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे परफेक्ट टेंस सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगर ये चीजें भी आपको याद रखना आ गई दोस्तों, तो हमारा काफी काम और आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे ये सेंटेंसेस भी सारे एक ही पैटर्न के हैं, राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका था, या राम क्रिकेट खेल चुका होगा। इन सारी ही अवस्था में सिर्फ और सिर्फ इस रूल का चेंज है, और कहीं भी किसी भी तरह का चेंज हमें देखने में नहीं आ रहा है। तो इससे आपको ये पता चला दोस्तों कि कैसे परफेक्ट टेंस में कोई भी काम जब पूरा हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, उसको हमें यहां पर कवर करना है। दोस्तों इस टेंस को खत्म करते ही मैं आपका ध्यान एक चीज पे और लाना चाहूंगा जो हमने शुरू से करी है। आप भी जरा बोर्ड पर एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन सारे शब्द में देखिएगा एक चीज बहुत कॉमन है, वो एक चीज क्या है, एस। और दूसरी कॉमन चीज ये है दोस्तों कि टेंसेस का यूज करते समय ये सारी वर्ब फॉर्म्स किसके साथ लगती है, सिंगुलर के साथ। इसका मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जब कभी भी हम इस बात में कंफ्यूज हो कि सिंगुलर के साथ डू लगेगा या डज, तो सिंगुलर मतलब एस से स्टार्ट, इसका मतलब एस वाला ही लगेगा। आपको जब ये याद ना रहे कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो लगाना है या गोज, तो ध्यान रखिएगा वहां पर एस वाला लगाना है, यानी कि गोज। उसी तरह इज, उसी तरह वॉज, उसी तरह हैज। आप देखेंगे दोस्तों कि इन सभी की एंडिंग में सबके पीछे एस लगा हुआ है, इसलिए कभी भी, ये इंग्लिश का एक फंडा है दोस्तों। मैंने आपसे कहा भी था कि टेंसेस पढ़ते समय हम कुछ उन चीजों के बारे में जानेंगे जिन चीजों के बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा होगा। तो आपके सोचने और समझने के लिए शायद ये पहली बार है जब आपको ये पता चलेगा कि जब कभी भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डज, गो गोज, हैज हैव, इज एम आर, वॉज वर, इस तरह के वर्ब्स लगाने के समय कंफ्यूजन महसूस करते हैं, हमें लगता है कि डू आएगा या डज आएगा, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वही वर्ब आता है जिसके पीछे एस लगा हुआ होता है, जहां तक एस वाले शब्द की बात है दोस्तों। बाकी अगर कहीं पे सेकंड फॉर्म लगनी है तो फिर तो लगनी ही है, फिर वहां पे एस ई एस नहीं आएगा। या जहां पर विल के साथ आपने देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सिंगुलर के साथ, वहां लगना ही लगना है, वो तो रूल है। पर वहां कहीं पर भी जहां पर एक वर्ब और दूसरे ऐसे वर्ब में जिसके पीछे एस या ई एस लगा हुआ है आपको कंफ्यूजन हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जिनके पीछे, जिन वर्ब फॉर्म्स के पीछे एस या ई एस लगा हुआ होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती हैं। तो आपके याद करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, किसी को बताने के लिए भी बहुत अच्छा है कि इस एस का जो इन्वेंशन किया गया था वो यही ध्यान में रखते किया गया था कि कैसे कोई एक ऐसे शब्द बना दिए जाए जिससे याद रखने वाले को आसानी हो। तो हमारे लिए याद करना बहुत आसान हो गया दोस्तों। आगे से जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म लगाने में दिक्कत आ रही हो, दो ऑप्शन हमारे पास हो, एक एस वाला एक बिना एस वाला, तो एस वाला आंखें बंद करके लगा दीजिएगा। कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया और आपके याद करने के लिए भी अच्छी चीज हो गया। आज का जो टेंस है दोस्तों, इसकी रिविजन घर पर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। आज की क्लास को अगर हम मिला लें तो हमने टोटल 9 टेंसेस कवर कर दिए हैं दोस्तों। अब सिर्फ हमारे 3 टेंस बचे हैं और वो 3 बहुत ही खूबसूरत टेंसेस हैं, उनका यूज करने में हमें मजा भी बहुत आता है। कल अपनी क्लास में हम उन 3 टेंसेस को भी कवर कर लेंगे दोस्तों। तब तक आप बाकी के 9 टेंसेस के सेंटेंसेस लिखते रहिए, उनकी रिविजन करते रहिए। अगले वीडियो जो आज ही मुझे अपलोड करना है, जिसमें आपको वर्ब्स के बारे में जानकारी मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के द्वारा एक जो टॉपिक होता है फ्रेज और क्लॉज का,
वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा आज ही, क्योंकि हमसे ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई पूछता है कि ये चीज फ्रेज है या क्लॉज है, हम सोचते रह जाते हैं दोस्तों। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप सेंटेंसेस में बड़ी आसानी से पहचान लिया करेंगे कि ये एक सेंटेंस में दिया गया फ्रेज है या क्लॉज है। तो दोस्तों आज हम अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने परफेक्ट टेंसेस के बारे में पढ़ा। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के द्वारा कभी भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेरी को समय देने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू।